क्या कभी आपने पो के पेरेंट्स को देखा है? अगर नहीं तो आज उनका चेहरा दिखाने वाला हूँ। और एक एपिसोड में ऐसा क्या हुआ कि मिक्की माउस अपने खुद के कुत्ते की जान लेने के लिए तुला हुआ था। भाई मैं आज सबसे अजीब एपिसोड्स बताने वाला हूँ। क्या आप इस वीडियो को दो बार देखोगे? तो इस वीडियो को एक बार लाइक करने में क्या जाता है? तीन तक गिनता हूँ भाई, लाइक कर दो। एक, दो, तीन। ये बात नंबर वन, फिनियस एंड फर्ब रेडी फॉर द बेटीज। फिनियस एंड फर्ब एक ऐसा कार्टून था जिसमें काफी सारे सॉन्ग्स थे, जिसमें से कुछ को छोड़कर सारे ओरिजिनल सॉन्ग्स थे। लेकिन रेडी फॉर बेटी नाम के इस एपिसोड में फिक्शनल बैंड होता है, जिसकी वजह से डिज्नी का तबला बजाया गया था। इस एपिसोड में दिखाया गया था कि कैंडिस और इसकी फ्रेंड स्टेसी एक कॉन्टेस्ट जीत जाती है, जिसमें उन्हें अपने फेवरेट बैंड के साथ ट्रैवल करने का मौका मिलता है, जिसका नाम था द बेटीज। लेकिन जब ये एपिसोड रिलीज हुआ तो इसी के नाम से एक रियल लाइफ में भी बैंड था, जिसने डिज्नी पर केस कर दिया था, जिसके बाद इस एपिसोड को यूएस टेलीविजन से हटा दिया गया 2015 तक। उसके बाद पता नहीं डिज्नी और ब्रिटिश के बीच क्या डील हुई जो इस एपिसोड को वापस ला दिया गया। नंबर टू, टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स। 2003 में आई ये एनिमेटेड सीरीज सबसे ज्यादा अपने कॉमिक पर बेस्ड थी, जबकि बाकी कार्टून इतना ज्यादा बेस्ड नहीं होते थे। टर्टल्स की पर्सनैलिटी भी कॉमिक से काफी ज्यादा क्लोज थी और स्टोरी भी काफी ज्यादा सीरियस और डार्क थी। इसी सीरीज का एक एपिसोड था जिसका नाम था सीन इन द मेम्ब्रेन, जो बॉक्सटर स्टॉकमैन के बारे में था, जो एक साइंटिस्ट था जो श्रेडर के लिए काम करता था। पूरी सीरीज में श्रेडर स्टॉकमैन की बॉडी पार्ट्स को चेंज कर देता था जब भी वो श्रेडर का कोई काम करने में नाकाम रहता था। ऐसा करते करते उसकी बॉडी में सिर्फ ब्रेन ही बचा था, तभी श्रेडर उसकी बॉडी को क्लोन करना चाहता था, लेकिन प्रोफेसर अपना बदला लेने की सोचता है। तभी किसी खराबी की वजह से कुछ ऐसे सीन्स देखने को मिलते हैं जिसमें उसकी बॉडी पूरी तरीके से बिखर जाती है, जिसे दिखाना सेंसर बोर्ड ने ठीक नहीं समझा और इसी वजह से इस एपिसोड को बैन करना पड़ा। नंबर थ्री, शिनचैन मिस्ट्री ऑफ बोच एंड पेरेंट्स। बेशक शिनचैन सबसे क्यूट बच्चा है, लेकिन कुछ अजीब भी, जिसके पांच फ्रेंड्स हैं। लेकिन आज हम इस मिस्टीरियस बच्चे के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है बोचैन, जिसके पेरेंट्स के बारे में आज तक हमें कुछ नहीं बताया गया कि वह कौन है और क्या राज है उसके पीछे। बोचैन शिनचैन शो का काफी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, जो काफी सुस्त है। लेकिन उसके पेरेंट्स को मांगा कॉमिक्स में तो दिखाया गया, लेकिन शो में क्यों नहीं दिखाया गया इसका कोई ऑफिशियल जवाब नहीं दिया गया। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग बोचैन के पेरेंट्स को लेकर हाइप काफी है, जिसकी वजह से इसके पेरेंट्स को ऐसे ही किसी शो में वो नहीं दिखाना चाहते। हो सकता है शिनचैन की किसी बड़ी मूवी में बोचैन के पेरेंट्स का फेस रिवील किया जाए, जिससे मूवी की मार्केटिंग भी हो जाएगी। वैसे फेस रिवील की बात हो ही रही है तो रहने दो, कुछ भी नहीं। बट भाई आप चैनल को सब्सक्राइब मारोगे तो मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगा। नंबर फोर, टाइनी टून एडवेंचर एलिफेंट इश्यूज। टाइनी टून बचपन का एक ऐसा फेवरेट कार्टून था जिसके सब दीवाने थे, लेकिन एक ऐसा एपिसोड था जिसे बच्चों के लिए बनाया तो गया था लेकिन वो बच्चों के लिए देखने लायक नहीं था। टाइनी टून के एक एपिसोड में एक सेगमेंट आता है वन बियर के नाम से, जिसमें हैम्प्टन प्लकी बस्टर ड्रिंक कर लेते हैं और नशे में इतने ज्यादा कि वो अपने कान शुरू कर देते हैं। सबसे पहले ये ड्रंक स्कूल जाते हैं, फिर एक पुलिस कार चुरा के ड्राइव करते हैं, फिर इसे एक पहाड़ की चोटी पर से फेंक देते हैं, जिससे इनकी डेथ हो जाती है। सबसे मजे की बात तो इसके एंड में होती है, जब बस्टर इस एपिसोड के डार्क स्टोरी लाइन पर कमेंट करता है और कहता है कि अब कल को हमें कोई फनी एपिसोड करने मिलेगा। फॉक्स किड्स ने इस एपिसोड को अपना मैच्योर कंटेंट की वजह से बैन कर दिया था। इसे पूरे 22 साल बाद दोबारा हब टीवी पर 2013 में रिलीज किया गया। नंबर 5, मिकी माउस मिनी टेक के ऑफ प्लूटो। अगर आज भी मैं डिज्नी का नाम लेता हूँ तो मेरे दिमाग में सबसे पहले मिक्की माउस की इमेज आते हैं, और आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। लेकिन मिक्की माउस का एक इतना घिनौना एपिसोड था जिसमें मिनी ऐसा काम करती है जो आप सोच भी नहीं सकते। इस एपिसोड में दिखाया गया है कि मिक्की प्लूटो को अपने फ्रेंड मिनी के पास छोड़कर चला जाता है बिना कुछ बताए, जिससे मिनी को बहुत सारा गुस्सा आ जाता है और वो प्लूटो को धमकी भी देती है कि मेरे रास्ते में मत आना, जिसके बाद वो उसे जहर देने की कोशिश करती है, फिर उसे जिंदा दफनाने का भी ख्याल आता है, यहाँ तक कि उसे एक वेपन से मारने तक की भी कोशिश करती है, और ये सब स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये सब बस प्लूटो इमेजिन कर रहा था, लेकिन ये सारी चीजें स्क्रीन पर दिखाने की वजह से ये आइडिया कार्टून की यंग ऑडियंस के लिए बहुत खतरनाक लग रहा था, जिसकी वजह से इसे भी बैन कर दिया गया। नंबर 6, पावर पफ गर्ल्स। जो लोग किसी समुद्र के नीचे रहते हैं और उन्हें शो के बारे में नहीं पता, तो उनके लिए बता दूं कि शो में तीन पावरफुल गर्ल्स होती हैं, जिन्हें उनके पापा ने बनाया था, क्योंकि वो एक प्रोफेसर थे, वो एक परफेक्ट बेटी बनाना चाहते थे, लेकिन केमिकल एक्स की वजह से उन लड़कियों को
पावर्स मिल जाती हैं, जो अपनी पावर्स का यूज करके विलन से लड़ती रहती हैं, जो सब लोग जानते होंगे। लेकिन हम जिस एपिसोड की बात करने वाले हैं उसका नाम है सी मी फील मी, जिसकी स्टार्टिंग होती है टाउन्सविला से, जिस पर अटैक हो रहा होता है। लेकिन दिक्कत की बात ये होती है कि इस बार सारे विलन एक साथ मिलकर अटैक करते रहते हैं, जो नॉर्मल से बहुत सारा खतरनाक था, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इसलिए पावर पफ गर्ल्स हार जाती हैं और बारिश होने लगती है। फिर तीनों गर्ल्स आसमान की तरफ देखकर विश करते हैं कि शहर से सारी बुराई खत्म हो जाए, और उनकी विश पूरी करने के लिए एक शख्स वहां पर एक बूंद की शेप में आता है, जो कहता है कि मैं तुम्हारी विश पूरी कर दूंगा, लेकिन एक शर्त, तुम्हें अपनी पावर्स मुझे देनी पड़ेगी। तीनों काफी सोच विचार करते हैं और बबल्स ये कहते हैं जब सब ठीक हो जाएगा तो लोगों को हमारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसलिए वो इस डील के लिए राजी हो जाती हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। ये सोचने की गलती बिल्कुल मत करना। पहला दिन तो तीनों गर्ल्स खुश होकर स्पेंड करते हैं, लेकिन जब प्रोफेसर देखते हैं कि सारे लोगों को उसने अब गुलाम बना लिया है, तो वो तीनों गर्ल्स से कहता है कि ये सबकी फ्रीडम छीन चुका है। तो लड़कियां कहते हैं हम तो अब पावरलेस हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तभी प्रोफेसर कहता है उसने डील तोड़ी है, डील सबको आजाद और खुश रहने की हुई थी, तो तुम्हारी पावर भी तुम्हारे पास ही होंगी। और ऐसा ही होता है, वो तीनों मिलकर उस शख्स को हरा देती है और लोगों को आजाद करवा देती है। फिर सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि इसे बैन किस वजह से किया गया था? असल में इस एपिसोड में कई जगह ऐसी चीजें दिखाई गई थी जो क्रिश्चियन क्रॉस की तरह लगती हैं, और एक शख्स भी जिसे जीसस बताया जा रहा था, तो रिलीजियस सेंटिमेंट्स की वजह से इस एपिसोड को बैन करना पड़ गया था। नमस्कार, द सिम्पसन स्टार क्राइविंग डैड। सिम्पसन्स एक ऐसा कार्टून है जो कॉन्ट्रोवर्सी से घिरा हुआ नहीं, बल्कि सारी कॉन्ट्रोवर्सी इसके अंदर से निकलती है। चाहे वो फ्यूचर प्रेडिक्ट करना हो या किसी साइंटिस्ट के सेंटिमेंट्स को हर्ट करना हो, ये शो बिल्कुल पीछे नहीं रहता। लेकिन इसके ब्लेम इट ऑन लिसा एपिसोड की वजह से कंपनी पर ही केस होने से बच गया था। 2002 में रियो सिटी के ऑफिशियल्स ने फॉक्स पर केस करने की सोची थी, क्योंकि इस एपिसोड में सिटी को बहुत बेकार तरीके से दिखाया गया था। लेकिन ये तो बस ट्रेलर था, क्योंकि 1991 के स्टार राइविन डैड एपिसोड को माइकल जैक्सन की वजह से पूरी तरीके से गायब करना पड़ गया। इस एपिसोड में दिखाया गया था कि होमर एक शख्स से दोस्ती करता है जिसका नाम था लियोन कोपोंस्का, जिसे लगता है वो माइकल जैक्सन है। इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि लियोन की वॉइस खुद माइकल जैक्सन ने ही दी थी, लेकिन जब शो बनाने वालों ने लिविंग नेवरलैंड डॉक्यूमेंट्री देखी तो वो माइकल जैक्सन पर लगे इल्जामों से इतने ज्यादा परेशान हुए कि उसे तुरंत टीवी से हटा दिया गया था, साथ ही डिज्नी प्लस से भी रिमूव कर दिया गया। यहाँ तक कि मॉडर्न डीवीडी से भी इस एपिसोड का नामो निशान मिटा दिया गया है। नंबर 8, काउ एंड चिकन। इस कार्टून के एपिसोड को ही नहीं बल्कि पूरे कार्टून को ही बैन कर दिया गया था। लेकिन उससे पहले की बात करते हैं इसके एक कॉन्ट्रोवर्शियल एपिसोड के बारे में, जिसे यूएस तक में भी बैन कर दिया गया था। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है काउ और चिकन एक साथ बैठे होते हैं और चिकन का मूड खराब रहता है, लेकिन उसकी बहन काउ उसे बहुत परेशान करने लगती है। अब ये मुझसे मत पूछो काउ चिकन की बहन कैसे हो सकती है, ये तो शो मेकर्स ही जाने। एनीवेज, चिकन परेशान होकर अपने पेरेंट्स के पास अपनी बहन की शिकायत करने जाती है, लेकिन उस पर कोई भरोसा नहीं करता। चिकन वापिस आके बैठ जाती है तो काउ उसे फंसाने के लिए उस पर स्मोकिंग का इल्जाम लगाती है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि चिकन की एज सिर्फ 11 साल की थी, जिसकी वजह से बच्चों तक गलत मैसेज ना जाए, इसलिए इस एपिसोड को बैन कर दिया गया था। लेकिन इस शो को इंडिया में पूरी तरह इसलिए बैन किया गया क्योंकि इस शो में काउ पर बहुत टॉर्चर दिखाया गया है, और ये तो आप सब जानते हैं कि इंडिया में काउस को पूजा करते हैं, जिसकी वजह से इसे बैन कर दिया गया था। भाई ये तो आपको पता चली गया, लेकिन क्या आपको ये पता था कि कैसे नोकिया कॉल लगाने के लिए नहीं बल्कि टॉयलेट में यूज किया जाता था? कैसे कोको कोला जैसी सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनी कोको कोला को छोड़कर कार मैकेनिक बनने चली थी? भाई ये वीडियो गजब चीजों से भरा हुआ है, तो इसे अभी दबाओ। और हाँ, ये वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना है मत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।